भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है, सुरेश पचौरी के भतीजे के ऑफिस को उड़ाने की धमकी है और ऑफिस की गैलरी में संदिग्ध विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई। मौके से बारूद, छर्रे, कील, सुतली बम, पेट्रोल बम बरामद हुआ है। सीसीटीवी में नकाबपोश आरोपी कैद हुआ है। मौके पर पुलिस अफसर पहुंच चुके हैं और जांच में जुटे हैं। राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी से फोन लाइन पर जुड़े। राकेश, क्या ये पूरा मामला और क्या कुछ अपडेट? देखिए, कांग्रेस के दिग्गज नेता और जो हाल ही में मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के मध्य प्रदेश के प्रबंधन जो है प्रभारी बनाए गए हैं सुरेश पचौरी, उनके भतीजे जो है गौरव पचौरी, उनके ऑफिस में राइस मिल है। राइस मिल का ऑफिस जो है एमपी नगर के कस्तूरबा नगर में है और वहां पर रात के समय पेट्रोल बम लगाया गया था और जो है बाकायदा जो सीसीटीवी कैमरा है ऑफिस के बाहर का, उसमें जो आरोपी है, संदिग्ध जो है, वो व्यक्ति भी कैद हुआ है। उसने पूरी जो पेट्रोल पंप को लगाने के साथ उसमें जो है उसको उड़ाने की भी व्यवस्था की थी, क्योंकि मौके से जो है पेट्रोल पंप के साथ माचिस भी बरामद हुई है। और हालांकि वो इस वारदात को जो है कामयाब नहीं हो पाया है और जैसे उसने पेट्रोल पंप लगाया उसके ये माना जा रहा है पुलिस का ये कि आसपास से आहट हुई होगी, इसमें वो भागा है और पुलिस ने जो है मौके पर पहुंचकर जो पूरा पेट्रोल पंप बरामद किया है। पुलिस ने ये साफ तौर पर कहना है कि यदि इससे विस्फोट होता तो काफी कुछ नुकसान हो सकता था और ये गौरव पचौरी की ओर से ये कहा गया है कि मेरे ऑफिस में क्षति करने के लिए ये साजिश रची गई थी। हालांकि वो व्यक्ति कौन है इसका खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया है, लेकिन चूंकि सुरेश पचौरी के भतीजे हैं तो ऐसे में पूरा मामला है काफी गंभीरता से पुलिस लेकर चल रही है और ये सनसनी की है, क्योंकि जिस इलाके में ये ऑफिस है वो रहवासी एरिया है, वहां पर पेट्रोल पंप लगाना और जो है आरोपी का साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि जो सीसीटीवी कैमरे में आरोपी कैद हुआ है वो किसी तरह का कोई नकाब नहीं पहना है, खुले तौर पर वो ये वारदात को अंजाम देने पहुंचा था। हालांकि अपने मंसूबे में वो कामयाब नहीं हो सका है। पुलिस ने पूरे मामले में जो है केस दर्ज किया है और मामले की जांच की जा रही है। हालांकि अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर उसने ये जो वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, इसका प्रयास किया, उसका जो है कारण क्या है, क्योंकि जो गौरव पचौरी की साफ तौर पर कहा गया है कि उनकी किसी तरह से कोई रंजिश नहीं है, लेकिन जिस तरह से पूरी घटना को अंजाम देने का जो प्रयास हुआ था उससे साफ तौर पर जाहिर है कि उनके ऑफिस में क्षति पहुंचाने के लिए, उनके ऑफिस को उड़ाने के लिए साजिश रची गई थी। चलिए राकेश, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गौरव पचौरी जो कि सुरेश पचौरी के भतीजे हैं, उन्हें धमकी दी गई थी और अब जो तस्वीरें सामने आई उससे साफ तौर पर ये लगता है कि ऑफिस को उड़ाने की जो धमकी दी गई थी उसी के तहत जो संदिग्ध व्यक्ति सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है।